वर्ल्ड लिवर डे हर साल 19 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को लिवर से जुड़ी समस्याओं से अवगत कराना और उनके प्रति जागरूक करना है। इस संबंध में कानपुर मेडिकल सेंटर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां पर डॉक्टर गौरव चावला ने बताया कि लिवर में अतिरिक्त चिकनाई का बनना फैटी लिवर की बीमारी है। फैटी लिवर की बीमारी शराब के अत्यधिक सेवन से हो सकती है और यदि व्यक्ति अतिरिक्त शराब पीना जारी रखे तो उससे लिवर को गंभीर क्षति हो सकती है। पिछले 30 वर्षों में डॉक्टरों को ये लगने लगा है, एहसास हुआ है कि बड़ी संख्या में ऐसे रोगी हैं जो बहुत कम शराब पीते हैं या शराब नहीं पीते हैं, लेकिन फिर भी उनके लिवर में अतिरिक्त चर्बी है। इस विकार को नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार के फैटी लिवर से लिवर में सूजन, सूजन, लिवर स्कारिंग, सिरोसिस, लिवर कैंसर, लिवर की विफलता और मृत्यु भी हो सकती है। फैटी लिवर एक बेहद सामान्य लिवर की बीमारी है और इससे 5 से 20% तक भारतीयों के प्रभावित होने का अनुमान है। प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर एचएस चावला और डॉक्टर सौरभ चावला भी मौजूद रहे। मुश्किल है ना, जिनके पास नहीं है तो कोई गवर्नमेंट में, कोई पूरे इंडिया में कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है जो लिवर ट्रांसप्लांट कर सके। लेबर इंटेंसिव प्रोसीजर है तो लिवर ट्रांसप्लांट की फालतू की ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए, टीकाकरण में फोकस रखना चाहिए, वेट पे फोकस रखना चाहिए। इन सब चीज़ों से हम करेंगे तो हमारा लिवर हो रही है। दूसरा, पंजाब में जैसे बहुत देखा गया आई वी ड्रग एड्यूज बहुत कॉमन था, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, तो जब भी ड्रग्स जो आजकल निडल प्रैक्टिस बहुत सेफ। डॉक्टर गौरव चावला हूँ, मैं गैस्ट्रो लिवर स्पेशलिस्ट कानपुर मेडिकल सेंटर से आपसे बात कर रहा हूँ। आज 19 अप्रैल है और आज वर्ल्ड लिवर डे है, तो इसी के उपलक्ष्य में मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो, लिवर एक बहुत वाइटल ऑर्गन है। हमें सबको पता है कि दिल कहाँ पे है, लेकिन लिवर एक 1.5 किलो का ऑर्गन है जो हमारी दाहिने साइड पसली के नीचे होता है और इसका बॉडी को टॉक्सिन्स निकालने में, प्रोटीन्स बनाने में, कोलेस्ट्रॉल बनाने में बहुत ही वाइटल, ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसके बिना जिंदगी नहीं चल सकती। तो लिवर को अच्छा रखने के लिए जागरूकता, लिवर की बीमारी की जागरूकता फैलाने के लिए हम लोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। बेसिकली वर्ल्ड लिवर डे का थीम है इस बार कि बी विजिलेंट, यानी हमें जागरूक रहना चाहिए, डू रेगुलर चेकअप्स, लिवर के चेकअप रेगुलर कराने चाहिए, और फैटी लिवर कैन अफेक्ट एनीवन, यानी हम लोग इंडियंस बहुत प्रोन है फैटी लिवर के लिए, क्योंकि हम थोड़े से मोटे हैं, हमारी जीन्स है, हमें डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है हिंदुस्तानों में, अल्कोहल भी लेते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम बहुत कॉमन है। इवन देखा गया है जिन लोग मोटे नहीं है, बीएमआई 25 से कम है, उस पर भी फैटी लिवर बहुत कॉमन है। तो इसलिए हम लोग को, मैं ये जागरूकता फैलाना चाहता हूँ कि जिससे कि आपके जरिए कि फैटी लिवर और बाकी जो लिवर की बीमारियाँ है वो कम से कम रहे हमारी जनरल पॉपुलेशन में। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि अपना खान पान सही रखे, वेट सही रखे और अपने वैक्सीनेशंस को पूरा रखिए। ड्रग्स जो है, जो दवाइयाँ हैं, फालतू की दवाइयाँ नहीं खानी जो लिवर को कर सकती है। कभी बुखार आया तो नाइस ले लेते हैं, जो कि बल्कि बैंड ड्रग है लेकिन हिंदुस्तान में आराम से मिल रही है। तो बहुत ज़रूरी है अपने सतर्कता फैलाना, जो हमने अभी बात भी करी।